जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 17 अप्रैल दिन सोमवार को आईपीएल 23 सीजन का मैच नंबर 24 चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जब भी इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाता है तो वह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक और कांटे का हो जाता है, और इस मुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट फैंस भी काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 3 रनों से मिली करारी हार के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए अपने प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर दिया है, और जिन जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खराब रहा था उन्हें टीम की फाइनल प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है, और उनकी जगह 4 ऐसे खतरनाक बब्बर शेरों की एंट्री कराई गई है, जिन्हें देखकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और किंग कोहली भी पूरी तरह से सदमे में आ चुके हैं। दोस्तों आखिर राजस्थान के खिलाफ मिली 3 रनों से शर्मनाक हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी प्लेइंग 11 में किन किन शेयरों की वापसी कराई है और क्या रहने वाली है प्लेइंग 11? इसके अतिरिक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ सीएसके की फाइनल प्लेइंग 11 बताएंगे आप सभी को आज इस वीडियो में। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और फाफ डु प्लेसिस में कौन बेहतर कप्तान है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। चलिए अब आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किसे किया है टीम से बाहर और किसे किया है अंदर। लेकिन दोस्तों उससे पहले एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए एक बहुत ही अच्छी पिच है और बल्लेबाज इस पिच पर खूब रन बनाते हैं। मैदान छोटा होने की वजह से यहाँ चौका छक्का मारने में बल्लेबाजों को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों आईपीएल 23 में इस पिच पर कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 1 बार जीत मिली है, वहीं लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को इस पिच पर 2 बार जीत मिली है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करना चाहेगी। इसके अतिरिक्त यह पिच तेज गेंदबाजों के लिए एक मददगार है। तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं कि दोनों ही टीमें किस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ एक दूसरे को चित करने के लिए मैदान पर उतरेंगी। दोस्तों पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 के बारे में। पारी की शुरुआत एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे करने उतरेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के ये 2 ओपनर इस आईपीएल 23 में बहुत ही शानदार फॉर्म में रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच को छोड़ दे तो ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी तक अपनी बल्लेबाजी से खूब प्रभावित किया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में 10 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे, लेकिन आज के मैच में उनसे एक अच्छी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद की जाती है। वहीं डिवॉन कॉनवे की बात करें तो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में 38 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 50 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। वहीं नंबर 3 पर बेहतरीन बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। दोस्तों अजिंक्य रहाणे ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 19 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया था, और यह साबित कर दिया था कि वे भी T20 मैचेस खेल सकते हैं, उन्हें मात्र टेस्ट बल्लेबाज समझने की भूल न की जाए। इसके बाद नंबर 4 पर बॉलिंग ऑलराउंडर मोइन अली बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। मोइन अली ने इस आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से खूब धूम मचाई है। उन्होंने पिछले मैच में 2 ओवरों में 21 रन देकर 1 विकेट लिया था। वहीं नंबर 5 पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करते देखे जा सकते हैं, जबकि नंबर 6 पर अंबाती रायडू चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मिडिल ऑर्डर में मजबूती देंगे। वहीं नंबर 7 पर बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बल्ले और गेंद से अपनी टीम का साथ देते हुए देखे जाएंगे। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो नंबर 9 पर ड्वेन प्रिटोरियस या महेश पथराना में से किसी एक को टीम के फाइनल प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है, जबकि नंबर 10 पर महेश थिक्साना और नंबर 11 पर तुषार देशपांडे बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के इम्पैक्ट प्लेयर की बात की जाए तो टीम इन 5 खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को कंडीशन और सिचुएशन अनुसार उपयोग कर सकती है। आकाश सिंह, मिचेल सेंटनर, शेख रशीद, शुभ्रांशु सेनापति और राजवर्धन हंगरगेकर। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की रहने वाली है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात की जाए तो उसने अपना पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 15 अप्रैल को बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला था, जिसमें उसे 23 रनों की जीत मिली थी। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 174 रन बनाए थे, जिसे दिल्ली कैपिटल्स की टीम बनाने में असफल रही और 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर मात्र 151 रन ही बना सकी और मुकाबले को 23 रनों से हार गई। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शुरुआत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसिस करने उतरेंगे। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 23 में विराट कोहली बहुत ही शानदार फॉर्म में रहे हैं। विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में 34 गेंदों में 50 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया था। वहीं कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने भी 16 गेंदों में 22 रनों की कप्तानी पारी खेली थी। इसके बाद नंबर 3 पर बेहद प्रतिभाशाली ऑलराउंडर महिपाल लोमरो बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। दोस्तों महिपाल लोमरो ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 18 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 2 शानदार छक्के लगाए थे। इसके बाद नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। अभी तक आईपीएल 2023 में ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला खूब बोला है। ग्लेन मैक्सवेल ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 14 गेंदों में 24 रन की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 3 हवाई छक्के लगाए थे। इसके बाद नंबर 5 पर ऑलराउंडर शाहबाज अहमद बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने निचले क्रम में आकर 12 गेंदों में ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए 20 रनों की पारी खेल डाली थी, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए थे। दोस्तों इसके बाद नंबर 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। एक बल्लेबाज के रूप में दिनेश कार्तिक का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। वे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहली गेंद पर कुलदीप यादव का शिकार बन गए थे। वहीं नंबर 7 पर बॉलिंग ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वानिंदु हसरंगा की बैटिंग नहीं आई, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वे गेंद के साथ साथ बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो तेज गेंदबाजी की कमान बेन पार्नेल, हर्षल पटेल, वयस्क विजय कुमार, मोहम्मद सिराज के हाथों में होगी। वहीं स्पिन गेंदबाजी की कमान श्रीलंकाई स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा और शाहबाज अहमद के हाथों में होगी। वहीं आरसीबी के इंपैक्ट प्लेयर की बात की जाए तो कंडीशन और सिचुएशन के अनुसार टीम इन 5 खिलाड़ियों में से किसी एक को चुन सकती है। सुयश प्रभुदेसाई, अनुज रावत, डेविड विली, आकाशदीप और करण शर्मा। तो दोस्तों दोनों ही टीमों की कुछ इस तरह की रहने वाली है प्लेइंग 11। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पिछले 5 आईपीएल मुकाबलों की बात की जाए तो 4 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली है। वहीं एक मैच को आरसीबी की टीम भी जीतने में सफल रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आज के मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।